और लुक में इतना सुंदर लगता है, अर्जुन का छोटा भाई लगता है, देख सकते हो। तो बैलेंस पॉस्टिंग मिल जाता है जो कि एडजस्टेबल है एडी सेंस के लिए। तीन तीन टॉप लिंक, चार चार टॉप लिंक लिंकेज मिल जाते हैं, जबकि महिंद्रे के बहुत सारे ट्रैक्टरों में तो अभी भी एक या दो ही तक आई है। जो ये सैडल शिफ्ट गियर बॉक्स है, आगे पीछे किसी भी स्पीड में आप चला सकते हो। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। तो आज सभी किसान भाइयों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ इस ट्रैक्टर के बारे में। भाई अगर आपको इस ट्रैक्टर की पूरी डिटेल में वीडियो देखनी हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। अगर इस वीडियो पर अच्छे लाइक मिल गए तो मैं इसकी पूरी डिटेल में वीडियो जरूर बना दूँगा आपके सभी के लिए। इस ट्रैक्टर को देख के मुझे एक ही बात कहना है कि महिंद्रा के लिए और ज़्यादा एक्सपेक्ट बढ़ चुकी है, और महिंद्रा से इतनी अच्छी उम्मीद अब आके इतनी ज़बरदस्त उम्मीद आ गई है जब से इनके जीवो और नोवो सीरीज आ चुकी है नई नई स्पेशल। भाई किसान के लिए महिंद्रा सबसे ज़्यादा सोच रहा है इस टाइम पर, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रैक्टर बनाकर दे रहा है। ये पडलिंग मास्टर ट्रैक्टर है, जो पडलिंग के लिए नंबर वन ट्रैक्टर है। अच्छा ट्रैक्टर को छोटा कहे या बड़ा है पता नहीं, लेकिन ट्रैक्टर में हॉर्स पावर बड़ी है। ये लगभग आपको 36 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर मिलेगा आसपास। पूरी डिटेल में वीडियो आप अगर कहोगे तो ही बनेगी इसकी, क्योंकि ये ट्रैक्टर के अंदर जो फ्रंट टायर है 4x4 है, 8/16 के मिल जाएंगे, और पीछे के टायर जो मिलेंगे आपको वो 12x4/24 के मिल जाते हैं। यानी कि जो 12x4/24 के, तो 12x4/28 के तो छोटे ट्रैक्टर में आते हैं, थोड़ी जिसकी हाइट कम है, ठीक है ना। और जो 65 लगभग 30 से 40 हॉर्स पावर ट्रैक्टर होते हैं उनके अंदर 12 के टायर का ऑप्शन मिलता है, और आगे भी देख सकते हो उसमें वेट आता है, और लुक में इतना सुंदर लगता है, अर्जुन का छोटा भाई लगता है, देख सकते हो, ठीक है ना। अगर इस ट्रैक्टर की आप डिटेल में वीडियो मांगोगे तो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। इसके अंदर देख सकते हो पॉस्टिंग भी, बैलेंस पॉस्टिंग मिल जाता है जो कि एडजस्टेबल है, और इसके अंदर देख सकते हो डबल पंप है, डबल क्लिच में मिलेगा ट्रैक्टर आपको, और ओलंपिक डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, वो भी वेट में मल्टी डिस्क ब्रेक मिलेंगे। पैर के एक्सीलेटर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इधर, देख सकते हो, ठीक है ना। और डिफेंसर लॉक के साथ साथ पीछे डीसी के लीवर मिल जाते हैं, और इस ट्रैक्टर की सीट जो मिलेगी वो भी एडजस्टेबल है, और मीटर में इसमें 3500 RPM दिखा रखे हैं, जबकि लेकिन इसके लमसम वो 2800 से 3000 के आसपास होंगे। अगर मैं आपको उसके पीछे से वॉक अराउंड देता हूँ ट्रैक्टर का, ये वॉक अराउंड टाइप वीडियो है, पूरी डिटेल में वीडियो आपके कमेंट पर बनेगी। इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी लगभग 1500 किलो के आसपास तक की होगी, और उसके अंदर देखे तो एडी सेंस के लिए तीन तीन टॉप लिंक, चार चार टॉप लिंक लिंकेज मिल जाते हैं, जबकि महिंद्रा के बहुत सारे ट्रैक्टरों में तो अभी भी एक या दो ही तक आई है। इसके अंदर चार चार टॉप लिंकेज मिल जाते हैं, और वो भी आप लॉक कर सकते हो, उधर देख सकते हो ये लॉक भी दिखा रखा है, ठीक है ना। सेंसिंग बहुत ज़बरदस्त है इसकी, और रिवर्स पीटीओ भी होगी इस ट्रैक्टर के अंदर, और डीजल टैंक इसका यहाँ मिल जाता है, कुछ देख सकते हो फेंडर पर पूरा विदेशी लुक लगता है, बहुत ही उम्दा काम है किसान के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्टर बनाया। और उसके अंदर देख सकते हो इधर जो ये सैडल शिफ्ट गियर बॉक्स है, आगे पीछे किसी भी स्पीड में आप चला सकते हो। इधर से देख सकते हो चार गियर स्पीड दिखा रखी इसकी, ठीक है ना। तो यानी कि चार आगे को, चार पीछे को, और हाई लो लगा करके इसके ये देख सकते हो इधर, और इसके जो पीटो चक्कर है वो देख सकते हो 850 और 590, दो तरह के पीटो चक्कर मिलेगी इस ट्रैक्टर के अंदर। और क्लच भी इसका डबल क्लच मिल जाएगा, जो कि आप लॉक भी कर सकते हो, लॉक सिस्टम है इसमें। और इंडिकेटर प्लस पार्किंग जो है इसकी वो इतनी अच्छी जगह दिखा रखी है, देख सकते हो, बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है। अगर मैं किसी अनजान किसान से कहूँ ना इस ट्रैक्टर का बोनट खोल दिखाओ, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इस ट्रैक्टर का बोनट भी नहीं खुल पाएगा, ठीक है ना। किसानों से और यहाँ छोटे स्टेपर मिल जाता है ऊपर चढ़ने के लिए, और ये इसके लीवर है, इसकी जो पीटीओ हॉर्स पावर है 36 हॉर्स पावर ट्रैक्टर के अंदर 30.1 हॉर्स पावर पीटीओ की मिल जाती है, और 265 ग्राम किलोवाट प्रति घंटे के इसके अंदर एसएफसी मिल जाएगी, 261 है। बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है, तो आपको कैसा लगा ट्रैक्टर मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इस ट्रैक्टर के बारे में अपनी राय जरूर देना आप इस ट्रैक्टर की पूरी डिटेल वीडियो देखना चाहोगे या नहीं, ठीक है ना। और देखे तो बीच में हम्प जो है उसके ऊपर भी कंपनी ने प्लेट लगा के दे रखी है, ताकि किसान के पैर पर मॉइस्चर वगैरह ना आए। इसकी डिटेल में वीडियो बना करके दिखाऊंगा आपको, अगर आप कमेंट करोगे, ठीक है ना। और इसकी स्टार्टिंग भी, इसकी एवरेज भी, और टॉप स्पीड भी दिखाएंगे इसकी, हो सकता है तो। डीजल खपत की बात करते हैं तो ट्रैक्टर 4x4 लगाने के बाद एक घंटे में 2.5 से 3 लीटर डीजल लेगा फुल लोड पर, और देख सकते हो उसका साइड मिरर भी कितना हैवी ड्यूटी, कितने हैवी फ्रेम के ऊपर टिका हुआ है।